गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? महत्व सुलेख का, कि हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हैंड राइटिंग का। सबसे ज़्यादा हमें बेस्ट मार्क्स मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं सुलेख से, हैंड राइटिंग से, और देखने में भी अच्छा लगता है। कोई जब हमारा क्लास वर्क देखता है, होमवर्क बुक देखता है, यूटी देखता है, तो अगर हैंड राइटिंग अच्छी से लिखी होगी तो वो वैसे ही खुश होकर आपको अच्छे से मार्क्स दे देगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? महत्व सुलेखा, कि हमारी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट है हैंड राइटिंग का। तो जया और चित्रा सहेलियाँ। जया और चित्रा क्या हैं? दोनों सहेलियाँ हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं, दोनों एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ती हैं। जया को क्या? लिखना पसंद है, और चित्रा को पढ़ना पसंद है। दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों साथ में स्कूल में पढ़ती है। जया को क्या है? लिखना पसंद है, और चित्रा को पढ़ना पसंद है। और जया को राइटिंग, लिखना पसंद है, ठीक है। चित्रा बोलती है, चित्रा चलो सुलेख लिखते हैं। जया ने कहा, सुलेख क्या होता है? चित्रा ने पूछा, जब हम अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर बनाकर लिखते हैं तब उसे सुलेख कहते हैं, जया ने कहा। जब हम अक्षरों को सुंदर सुंदर बनाकर लिखेंगे, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सुलेख कहते हैं, ठीक है। फिर वो बोलती है, लेकिन मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता, और सुंदर लिखावट होने से क्या होता है? चित्रा ने कहा, लिखने से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, जो आपकी कॉपी करेक्शन करेगा एंड यूटी करेक्शन करेगा, या फिर आपका होमवर्क बुक करेक्शन करेगा, तो उसको क्या होगा, उसको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखने में भी सुंदर लगेगी कॉपी। जिस तरह से हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, उसी तरह हैंड मतलब कि आपकी बुक में अगर हैंड राइटिंग आपकी सबसे सुंदर होगी तो वैसे ही टीचर इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा और वो आपको अच्छे से मार्क्स देगा। तो इसीलिए हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है हैंड राइटिंग का, जो सभी को अच्छे से लिखना चाहिए, ताकि वो और अच्छे से, टीचर उससे और ज़्यादा खुश हो सके, और ज़्यादा उस पर देख सके कि वो कितना अच्छा उसकी हैंड राइटिंग है। जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उतना ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अच्छे से लिखना है, ठीक है। ओके, बाय।